आगे जो आपने सारी बातें रखी हैं, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सारे ऑफिशियल्स पे स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। ये तो जो हमारे पास, देखिए जो हमारे पास सबसे पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी रिपोर्ट, दो दिन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही आती है, उसमें दो रीजंस सबसे मेजर निकल के आए। सबसे पहला रीजन, एक मिनट पकड़ लेंगे आपको, सबसे पहला रीजन ये निकल के आया कि जो ड्रेन था जिससे पानी की निकासी होनी थी, उस ड्रेन पर सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोच कर लिया था, इसलिए पानी बहकर नहीं जा रहा था। ये इंश्योर करना कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स का काम होता है। तो ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल प्राइमा फेसाई क्लियर है कि फील्ड लेवल इंजीनियर्स ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि इसलिए हमने फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट का भी इंतजार किए बिना जो फील्ड लेवल सबसे जूनियर इंजीनियर था उसको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया, और जो असिस्टेंट इंजीनियर था उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप ये मत सोचना कि हमने सबसे जूनियर लोगों को निकाल के बाकी ऊपर वालों को बचा लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए, देखिए अगर पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बिना हम एक्शन लेंगे तो सब जो कसूरवार हैं वो बच जाएंगे। पहले मैंने 7 दिन का समय दिया है, एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी होती है, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 2G में बनती है वो, और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बनी है उसके सेक्शन 173 में एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का प्रावधान होता है। वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक लीगल इंक्वायरी होती है, वो सिर्फ किसी एक अफसर के साइन से नहीं होती, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होती है। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसके तहत जो भी अफसर जिम्मेदार पाए जाएंगे, चाहे वो छोटे से छोटा अफसर हो या इस शहर का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी हो, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करके जा रही हूं। लेकिन जो जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं या जो जो भी वायलेशन किया जा रहा है उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप लोगों की जो ये डिमांड है उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। दिल्ली के 30 बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील कर दिया गया है, 200 और कोचिंग सेंटर्स को, 200 और कोचिंग सेंटर्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। नोटिस के बाद 48 घंटे का समय देना होता है, 48 घंटे के बाद उनको भी सील कर दिया जाएगा। लेकिन किसी अफसर को सब अफसरों पे एक्शन होगा, सब जो बायलॉज हैं उनके अनुसार एक्शन होगा। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस होना जरूरी है। तो इसलिए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप लोगों में से कुछ आईएएस अफसर बनेंगे, आपके बाद बहुत सारे और लोग भी आईएएस की तैयारी करने आएंगे। तो अगर एक बार हम सिस्टम को सही करेंगे तो आने वाले सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सिस्टम ठीक होगा। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई उस देश के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की है। तो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और आपके अलावा जो बाकी कोचिंग सेंटर्स में भी लोग तैयारी करते हैं बैंक के एग्जाम की, जेईई नीट की, उन सब के लिए जो आपके सारे इश्यूज हैं, विच इंक्लूड्स
रेगुलेशन ऑफ फीस, जो आपके इश्यूज है रेंट, ब्रोकरेज, जो आपके इश्यूज है हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की आपकी डिमांड है, उसके लिए दिल्ली सरकार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अदर एलाइड बिजनेसेस रेगुलेशन का कानून लेकर आएगी। आज हमने उसकी घोषणा करी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करेगा और उसके एलाइड बिजनेसेस, चाहे उसका, चाहे जो आपका रेंट हो, चाहे ब्रोकरेज हो, उससे सारे जुड़े हुए इश्यूज को रेगुलेट करेगा। ये आपको एक परमानेंट सोल्यूशन देगा। लेकिन इस एक्ट को बनाने में हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी योगदान रहे। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।